में बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। मुलाकात दोस्ती और फिर झांसा देकर सामूहिक बलात्कार करने के बाद ब्लैकमेल कर ठग लिया 12 लाख। नमो नमो करने वाले की जमानत जब्त करा देंगे जय भीम वाले। मुंबई में उर्मिला मातोंडकर प्रिया दत्त ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अब खबरें विस्तार से। पीड़ित महिला का आरोप है कि अमित नाम के शख्स ने उसे बहला फुसला कर अपनी कार में बैठा कर सेक्टर 62 की सोसाइटी में रहने वाले अपने दोस्त प्रवीण के घर ले गया। इसके बाद अमित प्रवीण सहित उसके दो दोस्तों ने उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। फिर आरोपी ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। इसी बीच आरोपी ने महिला की अश्लील वीडियो भी बना ली। आरोपी ने अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 12 लाख रुपए हड़प लिए। महिला का आरोप है कि जब उसने आरोपी से रुपए वापस मांगे तो उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला का कहना है कि आरोपी ने जबरन उसका गर्भपात भी कराया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला के साथ कुछ अश्लील फोटो उसके बेटे को भी सेंड किए। इसके बाद आरोपी ने उससे पैसे मांगे। इससे परेशान होकर महिला ने थाना में शिकायत कर। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को मेरठ में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मेरठ लोकसभा सीट से गठबंधन उम्मीदवार हाजी वाकू कुरैशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी वाले चाहे कितना भी नमो नमो करे, जय भीम वाले उनकी जमानत जब्त करा देंगे। मायावती ने नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, दोनों को तैयारी के बगैर लागू किया गया जिससे देश में गरीबी बेरोजगारी और बढ़ी। छोटे और मध्य वर्गीय व्यापारी दुखी है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन आतंकी घटनाएं होती रही। मुंबई 8 अप्रैल महाराष्ट्र में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा, पार्टी उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर और प्रिया दत्त, शिवसेना के अरविंद सावंत ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ रही उर्मिला मोटरसाइकिल से अपना पर्चा दाखिल करने पहुंची। उनका भाजपा के गोपाल सेट्टी से मुकाबला है। मुंबई उत्तर मध्य सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस की प्रिया दत्त अपने अभिनेता भाई संजय दत्त के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंची। निरुपम ने मुंबई उत्तर दक्षिण सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल है। मतदान 29 अप्रैल को होंगे। राज्य की 4800 लोकसभा सीट के लिए चार चरण में 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चार चरणों में चुनाव होंगे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।